ऑलराइट, सो आज हम बात करेंगे क्या होती है नेचुरल जस्टिस। सो इफ़ यू आर ए लॉ स्टूडेंट, अगर आप एक लॉ स्टूडेंट हो देन दिस वीडियो विल बी वेरी इन्फॉर्मेटिव फॉर योर लाइफ टाइम। यस, इवन आफ्टर बैचलर मास्टर, इवन PhD, अगर आप PhD भी कर लेते हो लेकिन फिर भी आपको ये चीज़ बेसिक्स पता होनी चाहिए एज ए लॉ स्टूडेंट। अगर आप एक लॉ स्टूडेंट होके नेचुरल जस्टिस का मीनिंग नहीं जानते, सो यू आर ब्लंडर ऑन लॉ। आप कलंक को वकालत करने में, यहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप लास्ट ईयर में हो या फर्स्ट ईयर में हो, इवन यू हैव टू, यू शुड नो अबाउट इट व्हाट इज नेचुरल जस्टिस। सो लेट्स स्टार्ट इंट्रो। जस्ट अ यंग गन विद द क्विक फ्यूज, आई वाज अपटाइट, वांट टू लेट लूज, आई वाज ड्रीमिंग अ बिगर थिंग्स एंड वांट टू लीव माय ओल्ड लाइफ बिहाइंड। ओके, तो पहले मैं आपको बता दूं, मैं यहाँ पे कोई आपको लॉ की लैंग्वेज में नहीं बताऊंगा नेचुरल जस्टिस क्या होता है, कोई बेयर एक्ट की लैंग्वेज नहीं होगी कि ये सेंटेंस पढ़ दिया और आपको समझा दिया। हम यहाँ बिल्कुल सिंपल भाषा में बात करेंगे, बिल्कुल लाइव एग्जांपल जो किसी बच्चे को भी समझ में आ जाए, ऐसे बिल्कुल सरल शब्दों में जैसे कोई माँ समझाती है किसी बच्चे को प्यार से। सो स्टार्ट इट। तो नेचुरल जस्टिस का मीनिंग है ऑडी अल्टरम पार्टम, इसका फर्स्ट प्रिंसिपल होता है। सॉरी, हमें तो यहाँ बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बात करनी थी। तो पहली पॉइंट आप समझ लो नोटिस। आपने देखा होगा कभी कभी क्या होता है, कभी क्या हमेशा ही होता है कि जब भी कोई एक्शन लेना हो किसी पार्टी को तो वो क्या करते हैं, एक नोटिस भेजते हैं दूसरी पार्टी को। सिविल केसेस में काफ़ी ये होता है कि नोटिस भेजा जाता है पहले, कुछ भी कार्रवाई करने से पहले। तो जो ये नोटिस है इसी को बोलते हैं नेचुरल जस्टिस। गॉट इट, कि हमने पहले नोटिस भेजा प्रॉपर। तो एक तो हो गया नोटिस, गॉट इट। सेकेंड थिंग आ गई सफाई देना। आपने काफ़ी बार सुना होगा कि भाई हमें तो सफाई देने का टाइम मौका नहीं मिला, या फिर हमें भी अपनी सफाई दो, और लोग भी अपनी सफाई देते ही हैं हर जगह। तो इसी चीज़ को बोलते हैं हियरिंग का मौका देना। जैसे कि किसी के ऊपर किसी ने केस फाइल किया, गॉट इट, केस फाइल किया तो उसे अपना पूरा हक है अपनी सफाई रखने का, अपनी बात कहने का। तो दूसरा पॉइंट हो गया अपनी बात रखने का, हियरिंग, सेल्फ डिफेंस करने का। ये नहीं है किसी ने किसी के ऊपर आरोप लगाए तो वो चुपचाप आरोप सह लेगा, तो उसको भी पूरा राइट है अपने फेवर में, कोई भी उसके पास कोई प्रूफ हो अपनी बात कहने का उसे पूरा राइट है। तो ये तो हो गया नेचुरल जस्टिस का सेकंड पॉइंट, गॉट इट। एंड द थर्ड थिंग इज कि आप अपने ही कोई प्रोग्राम में या फिर कोई फंक्शन में आप जज नहीं बन सकते, यानी कि आपका ही प्रोग्राम है और आप ही उसमें जज बने हो तो ऐसा नहीं हो सकता। तो मैं आपको इसका एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज एक कोर्ट है, कोई कोर्ट है, अदालत है, उसमें एक जज है, तो उस जज का बेटा वकील है और वो वकील उसी कोर्ट में प्रैक्टिस करता है, तो ये नेचुरल जस्टिस का वॉयलेशन होता है। यानी कि अगर वो बेटा उसी कोर्ट में है तो क्या होगा, उसके फेवर में डिसीजन जाएंगे ज़्यादातर, बिकॉज वो बाप बेटे हैं। इसलिए चलो एक बारी के लिए मान भी लिया कि ऐसा नहीं होता है, लेकिन जनरली ये वॉयलेशन हो जाएगा बेशक वो करें या ना करें। तो कभी भी कोई बेटा वकील हो और उसकी बाप की अदालत हो, यानी कि उसके फादर साहब जज हैं, तो उसमें कभी वो प्रैक्टिस नहीं कर सकता। तो ये थी नेचुरल जस्टिस। तो मुझे उम्मीद है आपको सरल शब्दों में नेचुरल जस्टिस थोड़ी बहुत समझ में आई होगी, बाकी लिखा हुआ आप कहीं भी देख सकते हो। सो आई होप इट इज़ क्लियर नाउ। सो आई एम गोइंग टू मेक मोर वीडियोज़। मीनवाइल यू डोंट फॉरगेट टू स्टे स्टाइलिश एंड स्टे अवेयर। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो।